हेलो एंड वेलकम टू ये लड़की पागल है। और आज हमारे साथ बैठे हैं चलो छोकरो ऋत्विक ऋत्विक धनजानी, क्योंकि ये मेरा सरनेम भूल गई थी। क्यों हाला है? अरे डाडो सुठो। अरे ए सिंधी माणू सिंधी माणू। तो मेरे को बताओ यार, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ सिंधी अदर देन बीइंग कंजूस? कड़ी चाव। पहले यार ये ना एक स्टीरियोटाइप है, व्हिच इज आई डू एग्री कि ये स्टीरियोटाइपिकल है। यार मैं उनमें से अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ जिसकी मुझे मुझे भुगतान भी भरना पड़ता है, बिकॉज मेरे घर वाले सारे बोलते हैं कि कौन सा सिंधी है वे दोस्त, कौन थे ये सिंधी जिन्होंने हमारा नाम खराब किया वे, कि मक्खी चूस मतलब मारवाड़ी और कंजूस मतलब सिंधी। आप कंजूस हैं कि नहीं? नहीं यार, बिल्कुल नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ। मुझे मैं पैसे अच्छे से नहीं संभाल पाता, मतलब यू विल नॉट बिलीव टिल डेट, मतलब आज तक मैं दुनिया के लिए हम कहने को एक्टर हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे जेब में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पावनी 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होते। अरे यार 10,000 ही बहुत होते हैं। नहीं मैं फिर भी बता रहा हूँ, बाकी का जितना भी होता है आज भी पापा और मम्मी के हाथ में जाता है कि वो संभाले वो देखे, क्योंकि मुझसे नहीं, आई कांट डू इट, आई कैन नॉट। यू आर शायो वेयरिंग भाई, जो फैशन में अच्छा लगता है मेरे को। ये एक्चुअली लड़कियों की शर्ट है दोस्त, फैशन से ज्यादा जो मुझे पसंद हो, एनीथिंग दैट आई लाइक। ये मैंने रिसेंटली शुरू किया पिछले कुछ 1-1.5 सालों से कि व्हाई कैन यू वेयर ऑल द क्लोथ्स दैट वी वेयर। आई वोन अ स्कर्ट फॉर ओवर अ जैकेट, बहुत सुंदर लगता है दोस्त। आई वोन इट फॉर अ डब्बू रत्नानी शूट एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट किलर लुक्स दैट आई डिड। अब मैं एक्चुअली लड़कियों के सेक्शन में शॉपिंग करने लगा। आई वेयर क्या बोलते हैं उसको, बॉयफ्रेंड फिट डेनिम्स। यस यस यस, लूज डेनिम्स होती हैं, तो वो बॉयफ्रेंड इट्स गुड। एक्चुअली हम लोग भी यही देखते थे कि यार हमारे लिए देयर सो मच ऑफ वैरायटी, इनका तो सही है यार, जींस टी शर्ट जींस शर्ट ज्यादा मतलब मन होता होगा यार एक्सपेरिमेंट करने का। बहुत ज्यादा मन। अरे क्या बताऊं, नहीं नहीं दीदी, कपड़ों के मामले में बहुत मन करता है मेरा। सो दिस इज एक्चुअली अ वुमन सेगमेंट शर्ट जो मुझे पसंद आई थी एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप। इट्स वेरी फैशनेबल, आई लव इट। थैंक यू। अच्छा एक गाना सुना दो। हैं चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुलाए। तुम्हें तो आगे नहीं आता है, लाल हो गई एकदम। How the hell do you know this? I know everything, बताओ ना। Oh my god. It is the tip of the iceberg. Now the iceberg is going to melt, guys. It's going to melt. Just for the anecdote, मेरे को हर चीज करने का शौक है, तो मैं अपने स्कूल के टैलेंट्स डे में I sort of enrolled myself for everything, dancing, acting, dumsharats, और singing. Yeah. जो कि अपने को आती नहीं है। आती नहीं है, लेकिन चौड़ में चढ़ गए स्टेज कि करना तो भाई को सब है। और गाना चुना हमने चिंगारी कोई भड़के, और कोई नहीं मिला था। और पता, और कौन सी चिंगारी भड़क रही थी मेरे में ये गाना चुनने की। और बड़ा माहौल बनाया मेरे दोस्त ने कि man, my friend's coming up on stage, Ritwik's gonna come and he's singing my favorite song, सब कुछ करके तैयार किया, उड़ा दिया, इतना उड़ा दिया। और मैं आगे खड़ा हूँ और इतनी ऑडियंस है कि पता नहीं क्या हुआ यार, कि मेरे गले से आवाज ना निकले, लेकिन गाना तो है, तो गाना निकला, लेकिन नाक से तो शुरुआत हुई चिंगारी कोई भड़के ऐसे। और जैसे ही हंस रही है, मैंने ठीक वैसे देखा मेरे चार लौंडे दोस्त वहां हा 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 करके ऐसे हंस रहे, और बाकी सन्नाटा।